हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ विनर को अनाउंस करूंगा। जब मैंने वीडियो बनाया था फंडेड नेक्स्ट गिव अवे अकाउंट का फ्री में, तो आपने काफी लोगों ने शेयर किया, मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूं और हम विनर को डिसाइड करेंगे कि किसने ये अकाउंट को जीता है। तो वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, वो मिडल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर में और न्यूज को चेक करते हैं और उसके बाद चलते हैं वन बाय वन सभी पेयर्स में। गाइस, यहां पर हमें फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर में और ये न्यूज है जो आने वाली है नेक्स्ट वीक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडे को स्विस फ्रैंकफर्ट सीपीआई की न्यूज़ है, उसके बाद कुछ खास यहाँ पर है नहीं है। ट्यूसडे को देखें तो इंपॉर्टेंट रहेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए 10 बजे के आसपास। यहाँ पर बैंक रेट का डिसीजन है जो 0.85 से 1.35, मतलब कि वो 50 का इंक्रीज़ कर रहे हैं 0.50 का। तो अगर आप यहाँ पर देखें 2020 से 2022 तक कोई इंक्रीज़ नहीं था और यहाँ से फिर ये डिक्रीज़ करना शुरू किया था, अब इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़। तो अब ये ट्रेंड चलता है, कहाँ तक चलता है हमें देखना होगा। बाकी कंट्रीज़ भी कर रही हैं जैसे मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पर ये इनकी कैश रेट का डिसीजन है, उसके बाद स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर काफी वोलेटिलिटी रहेगी और जिससे रिलेटेड पेयर्स में, तो केयरफुली इसको ट्रेड कीजिएगा। वेंसडे को आपके यूएसडी के ऊपर काफी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो 7:30 बजे के आसपास है और 11:30 बजे के आसपास FOMC की मीटिंग मिनट्स है। तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशन को अगर ओपन रखते हैं नेक्स्ट डे के लिए तो केयरफुली उसको एनालाइज कीजिए और होल्ड कीजिए। थर्सडे को मिक्स है यूएसडी कैट के लिए और फ्राइडे को हमारी NFP की न्यूज है जो कि आपकी 6 बजे के आसपास है। तो यहाँ पर कैड और यूएसडी के ऊपर बैक टू बैक न्यूज होंगी, तो यहाँ पर काफी आपको वोलेटिलिटी मिलेगी, केयरफुली उसको आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज, यहां पर हमें 4 आवर के चार्ट में सबसे पहले आज हम देखेंगे यूएसडी डॉलर इंडेक्स। इसके ऊपर काफी रिक्वेस्ट आती है कि इसको हमें फोरकास्ट में इंक्लूड करना चाहिए, तो जस्ट मैं यहां पर इसको एनालाइज करना चाहूंगा। देखते हैं कैसा मोमेंटम है US डॉलर इंडेक्स में और किस तरीके से मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। अगर आप देखें US डॉलर इंडेक्स काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ में चला हुआ है और यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर पहुँचा था वो 15 जून के बाद। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में हम ऊपर की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं। तो US डॉलर पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में है। अब कहाँ पर आ चुके हैं हम, यहाँ पर आप देखिए जो हमारी रेसिस्टेंस थी सेम इसी जोन में आ चुके हैं और यहाँ पर आप मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करना शुरू कर रही है। हालांकि जो मूवमेंट है वो सेम इस चैनल के अंदर हो रही है। यहाँ पर मैं डाइवर्जेंस थोड़ी देख रहा हूँ, पर अब हमें देखना होगा क्या ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली जाती है, उसके बाद थोड़ी यहाँ पर करेक्शन मिले। तो यूएसडी अभी इंडेक्स है, थोड़ी टाइम के लिए आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मूवमेंट करेक्शन नीचे की तरफ यहाँ पर हो सकती है, वो बाकी पेयर्स में भी इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहला पेयर हमारा यूरो एसडी गाइज, 4 आवर के चार्ट में है हम और कहाँ पर थे, हम थे 25 जून के आसपास इस एरिया में थे। मैंने कहा था जब तक हम मार्केट में इस एरिया को होल्ड करते हैं इस चैनल के अंदर हम चल रहे हैं, आप यहाँ पर इसमें बाय के लिए ही देख सकते हैं। पर पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई ये होना चाहिए, हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकते हैं, पर इससे ऊपर अभी हाई आप मत देखिएगा क्योंकि हमारा डेंजर एरिया, उसके बाद नीचे या फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ। और अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर इस एरिया के बाद उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर प्रीवियस हाई को यहाँ पर टच किया और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यूसली डाउन। मैंने कहा था हम इस एरिया को यहां पर ब्रेक करेंगे तो हम नीचे तक यहां तक ही सपोर्ट देख सकते हैं और मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट एरिया में यहां तक पहुंच चुकी है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहां पर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन शार्प मूव, उसके बाद करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ, फिर दोबारा से डाउन शार्प मूव यहां पर हमें मिला है। कहाँ पर आ चुके हैं, सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट एरिया है जो यहाँ पर आप मार्केट होल्ड कर रही है और यहाँ पर आप देखिए ट्रायंगल एरिया में मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। अगर मैं नीचे के टारगेट देखूँ तो हम 1.0960 ये हमारी सपोर्ट है, पर जो सपोर्ट हमारी है ये ऑल टाइम लो है, ये काफ़ी सॉलिड सपोर्ट है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट इस एरिया को होल्ड करे या अगर डिप भी करती है, अगर इसको ब्रेक करे तो एकदम से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अभी यहाँ पर हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी ये ट्रायंगल अगर अब बनता आ रहा है, मार्केट यहाँ पर किस तरीके से इस एरिया में रहे, इसको ब्रेक करे तभी मैं बाय के लिए देखूँगा। 1.073 जो हमारा प्रीवियस हाई है, हम यहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली ब्रेक करती भी है किसी रीजन से, आप यहाँ तक का इसमें टारगेट देख सकते हैं। पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट इस एरिया को होल्ड करे, इसके बाद या तो इसी एरिया में यहीं पर अभी ये स्ट्रगल करे, कंसोलिडेट करे, अगर ब्रेक करती है फिर मैं इसमें ऊपर की तरफ टारगेट देख सकता हूँ। GBP USD गाइस, ये हमारा पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर थे हम 24 जून के आसपास। मैंने कहा था हम यहाँ पर अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाती है इससे ऊपर अभी टारगेट मत देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रायंगल में, डाउन चैनल में यहाँ पर चल रहे हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है आपका पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए जो कि पिछला सपोर्ट है। और देखिए मार्केट ने नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया, ऊपर की तरफ कुछ नहीं गया था, नीचे की तरफ ब्रेक किया और कहाँ पर आ गए हम, सेम सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड USD में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर एक शार्प मूव नीचे की तरफ,
उसको करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा कंसोलिडेशन और फिर शार्प डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर मार्केट में आ चुके हैं। कहाँ पर? एक सॉलिड अगेन सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं मार्केट में। यहाँ पर भी अगेन ट्रायंगल में चल रहे हैं। हमारी जो नीचे की सपोर्ट है वो 1.14226 के आसपास है, तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा इस एरिया को यहाँ पर होल्ड करे। और जो हमारी अगर आप देखें RSI में भी, तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बनती शुरू आ रही है। यहाँ पर मार्केट सेम एरिया में है और यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ है। अगर आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा मूवमेंट यहाँ पर दे। तो अगर मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करा, आप टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक के देख सकते हैं। अगर ये इसको भी ब्रेक करके जाती है फिर हम यहाँ पर इसमें टारगेट प्रॉफिट देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करा तो जैसे मैंने बोला नीचे की सपोर्ट है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा इसको ये होल्ड करे। अगर नहीं करती है यहीं पर कंसोलिडेट करे, सेम यूरो यूएसडी का पैटर्न यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑजी यूएसडी गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये हम कंटिन्यूसली डाउन में है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करे, इससे ऊपर अभी टारगेट मैं नहीं देखूँगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इस चैनल को ब्रेक करा पर सेम इससे नीचे नीचे रही और नीचे की तरफ क्रैश किया है, पिछली सपोर्ट को भी ब्रेक किया और नीचे हम सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैंने नीचे का टारगेट आपको बताया था 0.66922 के आसपास, उसको नहीं टच किया और दोबारा से फिर वहां से जंप करके ऊपर की तरफ मार्केट यहां पर आ रही है। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं? तो गाइस यहां पर आप साफ देखिए मार्केट एक कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चली हुई है, पर कहाँ पर हम हैं? ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मार्केट इसी एरिया में यहाँ पर पहुँच चुकी है। और यहाँ पर अगर आप डाइवर्जेंस देखें, ये एरिया था और ये एरिया था, ये जो एरो आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर है, यहाँ पर सेम अगर RSI में मैं इसको देखूँ ये ऊपर की तरफ है। अगर हम इसको आपको जूम आउट करके देखेंगे इस तरीके से, तो डाइवर्जेंस क्लियर है, सपोर्ट में हम हैं यहाँ पर। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, कंटिन्यूसली जाती है, मुझे अभी कोई जो लंबी सपोर्ट दिख रही है वो 0.61216 के आसपास है, पर यहाँ पर बैंक रेट का डिसीजन आने वाला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट दे, आपका यहाँ पर हो 0.69486 पहला टारगेट, 0.70491 या अल्टीमेटली अगर हम जाते भी हैं तो यहाँ तक। पर ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पर किस तरीके से मार्केट अभी बिहेव करती है, कंसोलिडेट करे और ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, इस एरिया को ब्रेक करे 0.69 को, तो हम ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्केट बाय कर सकते हैं। और ऑल्सो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डिसीजन है उससे भी मार्केट यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी। ऑजी यूएसडी गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा 24 जून के आसपास हम यहाँ थे, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन में चल रही थी। मैंने कहा था चैनल के अंदर कीजिए, यहाँ पर आप हैं सेल कीजिए, नीचे जाएगी, यहाँ से फिर हम बाय के लिए देखेंगे अनलेस इसको ब्रेक करे। हमारा नीचे का जो टारगेट है वो 0.59351 के आसपास है, तो यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया और फिर दोबारा से जंप करके ऊपर की तरफ आ रही है। यहाँ पर हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो मैंने बताया था अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती फिर हम ऊपर की तरफ टारगेट देखते, पर अभी कंटिन्यूसली मार्केट कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चली हुई है। अब नेक्स्ट वीक NGD USD में हम क्या देख सकते हैं? सेम गाइस, यहाँ पर भी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चली है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ ही। कहाँ पर हम एक सॉलिड सपोर्ट एरिया में, ये हमारा सपोर्ट एरिया है और नीचे की जो हमारी सपोर्ट है वो 0.59516 के आसपास है। अगर हम जाते हैं कंटिन्यूसली इसी रेंज को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, इसी को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे तो आप नीचे के टारगेट देख सकते हैं, पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है 0.62440 एरिया को ब्रेक करे फिर आपके ये टारगेट होने चाहिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाती है 0.62500, 0.62971, 0.63600 अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाएगी फिर हम यहाँ पर तक देखेंगे, पर वो इतना अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। USD CAD गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर हम थे 24 जून के आसपास, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इसको मार्केट ब्रेक करे, रिटेस्ट करती है, यहाँ पर अब ये रिटेस्ट कर रही है और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ टारगेट देख सकते हैं जो यहाँ पर 1.26500 के आसपास है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर अभी बिहेव कर रही है, अभी भी ये पैटर्न आपका वैलिड है। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें तो देख सकते हैं, पर अपने डिसीजन अपने एनालिसिस के बेस पे ही यहाँ पर ले सकते हैं आप। तो आने वाले हफ्ते में मैं क्या देखूंगा USD CAD में, अगेन मैं डाउन मूवमेंट्स देखूंगा। मेरा पहला टारगेट अगर 0.27708, 1.26679 नीचे की तरफ होगा, अगर ये आपका चैनल यहाँ पर ये इसको ब्रेक करती है, इस सपोर्ट को ब्रेक करे, तो फिर आप नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं। तो अभी कंटिन्यूसली अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये इसको कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर अगर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ हम जाते भी हैं, अगर इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करती है फिर आपका ये सेटअप यहाँ पर फेल हो जाता है, फिर आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऑब्जर्व कीजिएगा क्या ये इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक करे, सपोर्ट को ब्रेक करे, नीचे की तरफ टारगेट आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाती है फिर हम अपना प्रीवियस हाई यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। डिपेंड करता है कैसे न्यूज़ आए, NFP की क्या न्यूज़ आए, तो न्यूज़ का यहाँ पर इंपैक्ट रहेगा, तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए।
यूएसडी जेपीवाई गाइस, यहाँ पर मार्केट थे हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने कहा था यहाँ पर स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जा सकती है, अभी कुछ सेटअप ऊपर की तरफ मिला नहीं। अगर सॉलिड ब्रेकआउट करे, कोई रिट्रेसमेंट मिले तभी बाई करेंगे, नहीं तो आप देखिए कोई ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, तो कोई खास सेटअप यहाँ पर मिले नहीं है अनलेस आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में भी मैं कोई खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं देखना चाहूँगा। मार्केट जब से यहाँ पर इस एरिया में पहुँची है उसके बाद से आप देखिए क्लियर डाइवर्जेंस यहाँ पर मिल रही है, और मार्केट अगर जा भी रही है तो कोई पावर नहीं है यहाँ पर स्लोली स्लोली। हालांकि ट्रेंड आपका अभी भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही है, अगर आप चैनल के अंदर इसी चैनल रेंज में ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं, पर जब कोई ब्रेकआउट मिले, जब तक हम 1.34397 इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा सकते हैं, अनलेस यूएसडी के ऊपर कोई ऐसी न्यूज आए जो उसको वीक करे। एनएफपी की न्यूज इतने नंबर बेकार हैं, नहीं तो जेपीवाई पूरी तरीके से वीक है, अभी कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ ट्रेंड देख सकते हैं। गोल्ड गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थे 24 जून के आसपास, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चल रही थी। मैंने कहा था हम डाउन जाएंगे, अगर हम इस एरिया सपोर्ट के आसपास आते हैं फिर हम इसमें बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जब तक ये इस चैनल को ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ। आप देखिए कोई चैनल में यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिला, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन में गई है, और कहाँ पर है हम सॉलिड अगेन सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें इसके बाद कंटिन्यूसली इस चैनल को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे, बिल्कुल कंटिन्यूसली नीचे चल रही है। कहाँ पर है हम एक सॉलिड सपोर्ट एरिया में, ये सपोर्ट एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बाय के लिए इसमें देखता हूँ, जब तक चैनल को ब्रेकआउट ना मिले, कोई रिट्रेसमेंट मिले, तब मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए 1850 के आसपास या 1871, ये हम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इतने बड़े ज़्यादा टारगेट मैं नहीं देखूँगा, या यहीं पर अभी मार्केट कंसोलिडेट करे इस एरिया में, देखते हैं, डिपेंड करता है। अगर ये चैनल के अंदर जाती है डाउन की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, जब तक चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे 1820 ये एरिया को ब्रेक ना करे, तभी अभी मैं इसमें बाय के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। अब गाइस मैं आपके साथ यहाँ पर गिव अवे विनर को अनाउंस करना चाहूंगा, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपके साथ जो भी एक फ्री अकाउंट शेयर किया जाएगा और जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा, जो सबसे ज्यादा जेन्युइन होंगे, मैं उन्हीं को यहाँ पर काउंट करूंगा और वहां पर गिव अवे विनर दूंगा। और आप लोगों ने काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, काफ़ी लोगों ने शेयर किया है। मैं एक विनर को अनाउंस करते हुए यहाँ पर मेरे को डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि बाकी लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, आपने एफर्ट्स दिए और आपने पूरी कोशिश की कि आप यहाँ पर विनर हो सकें, पर अनफॉर्चुनेटली विनर केवल एक ही है। तो अगर आप विनर नहीं होते हैं तो डिसअपॉइंट मत होइए, इन फ्यूचर में और भी गिव अवे लेके आता रहूँगा, तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पर विन कर सकते हैं। तो आपके एफर्ट्स के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जो भी आपने किया है, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पूरे हफ्ते में पूरे जोर लगाया है कि आप उसमें विन कर सकें। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा किन किन लोगों ने सबसे ज़्यादा शेयर किया है और काफ़ी उन्होंने यहाँ पर एफर्ट्स किए हैं। तो अगर मैं नाम देखना चाहूँ, राज सिंह है, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी जगह पर शेयर किया है। अमित हैं, गजेंद्र अंजाना, नयूम खान चोरीमिया, इन्होंने भी काफ़ी शेयर किया है। मोनी सैनी, शशांक, प्रीतम, मीना, काफ़ी लोग हैं जो इन्होंने इतने शेयर किए हैं कि मैं बता नहीं सकता कि पूरे हफ्ते वो इन्वॉल्व रहे थे कि इसी को हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो $15,000 का अकाउंट है जो आप फंडेड नेक्स्ट में ले सकते हैं। विनर में यहाँ पर आपको केवल एक ही होगा, जैसे मैंने बताया सभी विनर नहीं हो सकते, सभी को मैं अकाउंट नहीं देख सकता। तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइए, अगर आप विनर नहीं हैं, एफर्ट्स के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और इन फ्यूचर में और गिव अवे लेके आता रहूँगा। अगर आप यहाँ पर विनर नहीं हैं तो फ्यूचर वाले में आप विनर हो सकते हैं। तो अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखिएगा और पूरे एफर्ट्स इन लोगों ने लगाए हैं। अगर आपका नाम यहाँ पर भी नहीं है और आपने शेयर किया, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। भले ही आपने कम शेयर किए हैं पर आपने शेयर किया है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहूँगा, जो विनर हैं वो अमित हैं। अमित ऑफिशियल के नाम से हैं, उन्होंने काफ़ी स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, 1000 के आसपास हैं जो काफ़ी यहाँ पर हैं। उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर किया है, व्हाट्सअप पर भी, फेसबुक पर भी और अपने इंस्टाग्राम पर भी। तो अमित, कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने काफ़ी शेयर किया है। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी forexsalary.india@gmail.com पर अपनी डिटेल्स भेजें, अपनी ईमेल आईडी भेजिए, किस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट खोलना चाहिए, ताकि मैं फंडेड नेक्स्ट को वहाँ पर अप्रोच कर सकूँ और आपको फ्री अकाउंट दिया जा सके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, आपको ये अकाउंट दिया जाता है विनिंग के लिए। और बाकी डिसअपॉइंट मत होइए, आने वाले दिनों में और भी गिव अवे लेके आऊँगा और आप वहाँ पर जीत सकते हैं। तो बाकी लोग धन्यवाद, थैंक यू राज, नयूम खान, गजेंद्र, मौनी, शशांक, आपने भी काफ़ी शेयर किया। और बाकी लोग जिन्होंने और भी ज़्यादा शेयर किया है, जिनके नाम यहाँ पर नहीं है, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो थैंक यू सभी का प्यार देने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू अमित।
अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो ये हमारा सिल्वर है जो पिछले हफ्ते का आप फोरकास्ट देख सकते हैं, हम 24 जून के आसपास थे, हम सपोर्ट में थे। यहाँ पर मैंने कहा था अगर हम इस एरिया को ब्रेक करें, जब तक इस एरिया से नीचे नीचे हैं हम इसमें शॉर्ट बाय के लिए नहीं देखेंगे, अगर ब्रेक करता जाए फिर हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और ये भी बोला था कि विद इन अ रेंज ही आप ट्रेड कीजिए अगर ये रेंज में इसी में चलता रहता है। मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दी, सीधा इसको ब्रेक किया नीचे। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट गाइस यहाँ पर सीधा ये ब्रेक किया, इस एरिया को यहाँ पर इसने ब्रेक किया और कहाँ पर आ चुके हैं हम, अगेन सपोर्ट एरिया जो हमारा है 18.399 के आसपास है। तो अभी मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन में चल रही है, अगर ये ब्रेक करे, इस एरिया को ब्रेक करे फिर हम देख सकते हैं कुछ रिवर्सल हो सकता है, नहीं तो अभी कंटिन्यूसली आप इसमें डाउन मूवमेंट ही यहाँ पर देख सकते हैं। तो 20.926 का एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ब्रेक करता है फिर हम इसमें रिवर्सल के लिए साइन देख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें अभी सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मैं RSI को देखूं तो पूरी तरीके से ये ओवर सोल्ड हो चुका है, मार्केट यहां से जंप करेगी। अब वो कहां तक जंप करके जाती है, ब्रेक जब तक ऊपर की तरफ ना मिले इस एरिया से, मैं अभी इसमें बाय के लिए टर्न नहीं करूँगा। ऑयल गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थे हम 24 जून के आसपास, मैंने कहा था हमको कि ये जो एरिया है 108.65, जब तक हम इस लेवल से नीचे नीचे हैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, बाय के लिए मैं देखना चाहूँगा क्योंकि हम सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। जब तक इस चैनल को ब्रेक करे, इस सपोर्ट से नीचे नीचे रहे, तब तक मैं शॉर्ट में रहूँगा। ब्रेक अपॉर्चुनिटी मिले रिट्रेसमेंट की तब हम ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे। तो यहाँ पर इसने चैनल को ब्रेक किया, पर यहाँ पर जब इसने इसको ब्रेक किया उसके बाद शार्प डाउन मूव, तो इसको होल्ड नहीं कर पाया, तो अभी हमारे लिए अभी बायर टर्न नहीं हुए थे। अभी आप यहाँ पर भी सेलिंग मार्केट में ही है और मैंने कहा था यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेट कर सकता है रेंज, तो अब ये रेंज जो है यहाँ तक की बनती हुई नजर आ रही है। तो नेक्स्ट वीक में ऑयल में क्या देख सकते हैं, तो ये जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो बार ये सपोर्ट ले चुका है। जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ पर अभी की रेंज में है, अब देखना होगा क्या ये इस रेंज को ब्रेक करे। अभी हम कहाँ पर हैं, सपोर्ट यहाँ पर आप बाय करना चाहें, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देख सकते हैं, अभी इससे ऊपर नहीं। जब तक ब्रेक करे फिर हम इसमें 120 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस एरिया को ये ब्रेक करता है फिर हम नीचे की तरफ टारगेट देखेंगे, तो 98.10-92.41 के टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सपोर्ट एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ऑब्जर्व करूँगा, अगर यहाँ पर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक के मैं देख सकता हूँ। बिटकॉइन गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट और मैं इसी पे स्टिक रहना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट मिल नहीं रही है, सीधा शार्प डाउन मूव उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है। यहाँ पर मैंने आपको बोला हुआ था जब तक हम इस लेवल से नीचे नीचे हैं 23,000 शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी मार्केट कोई भी शार्प मूव देती है उसके बाद रेंज बनाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी शार्प मूव पीछे से आप देख सकते हैं, शार्प मूव फिर रेंज, कंसोलिडेट करे शार्प मूव फिर कंसोलिडेट। तो वही है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है 19,000 का तो हम 11,000 या 12,000 तक का देख सकते हैं, अगर ये 23 तक का ऊपर की तरफ ब्रेक करे और रिवर्सल ना हो। तो अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में है, NFP की क्या न्यूज आती है, USD के ऊपर क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। USD INR कंटिन्यूसली गाइज काफ़ी दिन से मैं बता रहा हूँ, USD अपना स्ट्रॉन्ग है, INR आपका वीक चल रहा है। अनलेस कुछ यहाँ पर USD बाकी पेयर्स के अगेंस्ट वीक जाना ना शुरू हो तब तक ही आप यहाँ पर कुछ मूवमेंट देख सकते हैं डाउन की तरफ। तो USD कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। अब हमारा एरिया यहाँ पर ये है, जब तक हम 77,900 है ऊपर की तरफ ही मार्केट कंसोलिडेट करेगी, स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। अभी कोई ये नहीं है कि मार्केट डाउन जाएगी, तो बैंक रेट डिसीजन इंडिया से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, USD भी कर रहा है, तो जब तक USD बाकी करेंसीज के अगेंस्ट डाउन ना जाना शुरू हो तब तक अभी आप यहां पर नीचे की मूवमेंट तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। पाउंड येन गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहां पर मैं क्या बताया था, एक सेल अपॉर्चुनिटी आपको बताई थी कि गाइस यहां पर आप इसमें सेल करने की सोच सकते हैं इस एरिया में, या अनलेस ये टॉप टच भी करें, यहां पर कोई कैंडल बने शॉर्ट कीजिएगा। टारगेट कहां पर रखना है, 161.950। तो अगर आपने ये ट्रेड मिस किया होगा तो मैं कहूँगा सबसे इजी ट्रेड था जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था, और एक्यूरेसी और एक्यूरेटली आपको यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली जा रही है, कोई भी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले शॉर्ट कीजिए यहाँ पर, मैं इस एरिया में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, और अगर कंटिन्यूसली जाती है यहाँ तक का देख सकते। तो सबसे ईजी ट्रेड था ये पाउंड येन में जो पिछले हफ्ते हमें मिला, और होपफुली आपने अगर इसमें ट्रेड लिया होगा। तो अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर आप देखिए शार्प मूव नीचे की तरफ मिला, अब कहाँ पर आ गए हैं, एक सपोर्ट एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये काफ़ी अच्छा सॉलिड सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ से अगर मार्केट जंप करती है तो मैं टारगेट अभी 166 यहाँ तक का देखूँगा, या अगर कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को ये ऊपर की तरफ रिटेस्ट करे, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है फिर हम 158 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे की जो है 149 के आसपास है। तो अभी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए क्या इस लेवल को हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जाती भी है, अगर आप शॉर्ट टाइम में देखें तो बाई यहाँ तक का देख सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है, या यहीं से फिर हम डाउन मूवमेंट में ट्रेंड देख सकते हैं।
तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट एनालिसिस था, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गिव अवे विनर के लिए अमित ऑफिशियल, जैसे मैंने वीडियो के दौरान बताया जिन्होंने भी शेयर किया, किस किस के नाम थे जिन्होंने सबसे ज्यादा शेयर किया, तो सभी का धन्यवाद। और अगर आपके नाम वहां पर नहीं भी थे तो भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने शेयर किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वन मोर टाइम टू अमित ऑफिशियल। आप अपनी ईमेल आईडी मुझे forexsalary.india@gmail.com पर भेज सकते हैं, जो ईमेल आईडी आप यहां पर देख रहे हैं। बाकी लोग डिसअपॉइंट मत होइए, आने वाले दिनों में मैं और भी गिव अवे विनर लेकर आऊँगा जो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं बाकी चीज़ें भी। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।